सो हेलो भाई, स्वागत है सब लोगों का जीएसटी गेमिंग 09 चैनल पर। एंड बहुत सारे शॉर्ट वीडियो के बाद फाइनली इस चैनल पर एक नया लॉन्ग वीडियो आया है। सो ये लॉन्ग वीडियो होने वाला है रियलमी मार्जो 30 का अनबॉक्सिंग। एंड हो सके तो इस लॉन्ग वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये देखिए इसका डब्बा, इस डब्बे के अंदर है टप्पा। तो क्या करे, अरे खांसी आ रही है। चलो बहुत हो गया, इसको खोलते हैं। और ये केबल गिर गया इसका, चार्जर का पहले गिरी। कहाँ पर रख देती ये कंपनी को, क्या होता है यार, कहाँ पर ऊपर रख दिया इससे, ये गिर गया हाथों से। अगर मोबाइल गिर जाता तो क्या होता। तो चलो देखो गाइस, रियलमी मार्जो 30 ये रहा। एंड ये पट्टी वट्टी के साथ लगा हुआ है, तो इसका पट्टी खोलेंगे हम इसको, और इतने आराम से निकालेंगे ना जैसे नेपटॉल वगैरह वगैरह में ऐड जब देता है ना, तब ऐसे निकलते फ़ोन। क्या ही अच्छा है, देखो धमाकेदार स्लाइम एकदम। देखो गाइस ये रहा फ़ोन रियलमी मार्जो 30। बैक डिज़ाइन आप देख सकते हो, ट्रिपल कैमरे के साथ आता है, बहुत ही गजब बैक डिज़ाइन है। एंड अगर आगे की बात करें तो ये देखो, तो चलो यहाँ पर है एक पत्थर, और वो भी 30 वाट के एक पत्थर ही बोलते हैं हम इसको, ईट बोलना चाहिए यार, इतना बड़ा चार्जर कौन देता है। और ये रहा इसका धागा, पत्थर के साथ एक धागा। एंड ये उसका कागजात है, कागजात तो हमारे बस की बात नहीं, कागजात को हमारे समझने नहीं आने वाले, तो कागजात को फेंकते बाहर। एंड इसमें कवर दिया गया है, कवर आपको दिखाता हूँ रुको, ये देखो, ये देखो गाइस कवर इसका दिया गया है, क्योंकि कवर देना पड़ता है यार, कंपनी इसमें ही चलती है, वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं, उन लोगों को कवर एक देना चाहिए। खास कवर के साथ साथ एक ग्लास भी दे देता। तो ये रहा फ़ोन। अरे यहाँ पर गाइस साइड माउंटर फिंगरप्रिंट है, देख सकते हो यहाँ पर, फोकस नहीं ले रहा कैमरा, लेकिन देखो गाइस। तो गाइस अब हम क्या करते हैं इस फ़ोन का ना, तो हेलो देखो गाइस ये फ़ोन सेटअप कर लिया मैंने, तो अब इसको रेडी करेंगे। रियलमी UI, वेलकम रियलमी UI दिखा रहा है, तो चलो इसको सेटअप करते हैं। सेटअप क्या हो गया, अब इसको हम ओपन करेंगे। तो चलो गाइस ओपन हो गया फ़ोन। एंड ओपन होते ही गाइस सबसे पहले देखो इसका लुक कैसा लग रहा है, चलो देखते हैं। और गाइस ये सब कुछ ऐप वगैरह है, तो इस ऐप वगैरह को तो हम लोग तो बाद में डिलीट करने वाले हैं, ये सब हमारे कोई काम के नहीं। तो ये देखते हैं कुछ इसका खासियत। और फ़ोन के अगर सेटिंग्स की बात की जाए, तो चलो सेटिंग में चलते हैं। एंड सेटिंग में जाने के बाद गाइस मैं यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ का स्मूथ डिस्प्ले मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले गाइस हम ना 90 हर्ट्ज़ में करेंगे डिस्प्ले को, ठीक है। तो गाइस देखो, चलो तो गाइस मैंने तो समझ गया, तो यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ का है, इधर देखो। तो 90 हर्ट्ज़ पे मैंने कर लिया स्क्रीन को। एंड चलो यहाँ पर कुछ ये सब है, तो गाइस हम ना एक गेम प्ले करके आते हैं। गेम प्ले देखो इसका कैसा लगता है। एंड आप लोग हो सके तो गेम प्ले अगर अच्छा लगा तो यार क्या ही कहीं, सब्सक्राइब कर देना। तो चलो सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास स्क्वाड में तो अब ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में बहुत बंदे होते हैं, धड़ाधड़ पिटाई चलती है सब लोगों की, तो क्लास ट्रेनिंग से क्यों ना शुरू कर ले। एंड हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और न्यू हो तो सब्सक्राइब जल्दी करना, और पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भी लाइक करना, जो न्यू बंदे हैं। तो देख सकते हो बहुत ही ओपी गेम प्ले चल रहा है, बैकग्राउंड में सब ऑन है, ब्राइट नाइट अल्ट्रा सेटिंग करके खेल रहे हैं, शैडो ऑन है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या ही गजब हिट लग रहा है इसमें, मतलब स्क्रीन सेंसिटिविटी जो इसका है बहुत ही ओपी लेवल का है, रिफ्लेक्स बहुत अच्छा। एंड जल्दी जल्दी स्क्रीन रोटेट होगा, मतलब घूमेगा बहुत जल्दी जल्दी, देख रहे हो ना कैसे वन टैप लग रहा, फिर भी स्क्रीन ऊपर चला जा रहा है वन टैप के साथ, ये देखने में मजा आता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।